तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मंडू की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम देखेंगे इसका पार्ट 15। इस वीडियो के मैं काफ़ी सारे पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो जिन लोगों ने अभी तक पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है वो जाकर पहले के पार्ट्स को देख सकता है। उसका लिंक ऊपर कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। इस कमाल की स्टोरी को लिखा है वाटामोटो ने। उनकी वेबसाइट, ट्विटर और इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। इस चैनल में मैं और भी बहुत सारी फैन मांगास को कवर कर चुका हूँ, तो अगर आप ड्रैगन बॉल के फैन हैं और अगर आपको ड्रैगन बॉल की फैन मांगास पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप चैनल के प्लेलिस्ट के टाइम में जाकर सारी की सारी फैन मांगास देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी की सारी फैन मांगास सीक्वेंस मिल जाएंगी। मैं इंस्टा पर भी काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो अगर आप मेरे से वहाँ पर आकर बात करना चाहें तो वहाँ पर आकर मुझसे आप बात कर सकते हैं। मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर लेता है। ये सब कुछ वो ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग करने की वजह से कर पाया है। ग्रैंड प्रीस्ट के साथ उसने करीब एक हफ्ते ट्रेनिंग करी थी, जो कि उसके लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव करने के लिए काफ़ी थी। मंडो वेजिटा की ताकत को देख के बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है। वो बोलता है कि वेजिटा, मुझे विश्वास था कि तुम इस लेवल को अचीव कर पाओगे। स्पेस में हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट और वीस धरती की तरफ आ रहे होते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट वीस का सहारा ले रहे होते हैं। हालांकि इस चीज़ में सेंस काफ़ी कम है, ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो वो एक ही सेकंड में धरती पे आ सकते हैं। फिर भी वो वीस का सहारा क्यों ले रहे हैं जबकि दुनिया इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है। ग्रैंड प्रीस्ट वीस से पूछते हैं कि वीस, अभी हमें धरती पे पहुंचने में कितना समय लगेगा? मुझे महसूस हो रहा है कि धरती पे मंडो के साथ लड़ाई शुरू हो चुकी है। मंडो जल्द ही वेजिटा के साथ लड़ना शुरू करेगा। वीस ग्रैंड प्रीस्ट से बोलते हैं कि फादर, मुझे भी ये चीज़ महसूस हो रही है, अभी हमें धरती पे पहुंचने में करीब 10 मिनट लगेंगे, तो मुझे लगता है कि जब तक वेजिटा मंडो को संभालने में कामयाब रहेगा। तभी ग्रैंड प्रीस्ट और वीस को महसूस होता है कि वेजिटा की ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ग्रैंड प्रीस्ट वीस से बोलते हैं कि वेजिटा की ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वेजिटा की ताकत इस लेवल पर पहुंच गई है। वीस बोलते हैं कि हमें जल्दी करना होगा वरना मंडो भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लग जाएगा। धरती पर वेजिटा अपनी अल्ट्रा स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है और वो मंडो से बोलता है कि मंडो, इस बार ही तुम खत्म होकर रहोगे। मंडो वेजिटा की ताकत से बहुत ज़्यादा हैरान होता है। मंडो बोलता है कि वेजिटा, मैं तुम्हारे बारे में सही था, तुम यूनिवर्स 7 के सबसे ताकतवर मॉडल हो। अब मुझे दिखाओ कि तुम्हारे जितना ताकतवर मॉडल क्या कर सकता है। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे खिलाफ कुछ ज़्यादा नहीं कर पाओगे, पर फिर भी मैं तुम्हारी ताकत देखना चाहता हूँ। वेजिटा बोलता है कि मंडो, अगर तुम इतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं करते हो? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक मॉडल क्या कर सकता है। मंडो वेजिटा को बोलता है कि वेजिटा, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ज़रूर होगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं धीरे धीरे करके तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा। तभी मंडो एक पोर्टल बनाता है और उस पोर्टल से वेजिटा को मारने की कोशिश करता है, पर वेजिटा इस फॉर्म में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो बहुत ही आराम से मंडो के हाथ को पकड़ लेता है और इसके बाद वो मंडो को एक पंच मारता है। तो हम देख सकते हैं कि वेजिटा अटैक और डिफेंस दोनों यूज़ कर रहा है। और इस पंच की खास बात ये थी कि मंडो को पंच मारने के लिए वेजिटा उसी की पोर्टल का इस्तेमाल करता है। मंडो को ये पंच बहुत ज़ोरदार तरीके से लगता है और उसकी नाक में से खून निकलने लग जाता है। मंडो वेजिटा से बोलता है कि ये तो बहुत ही ताकतवर पंच था, बहुत बढ़िया, अब मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि तुम्हारे इतने कमज़ोर पंच से मैं डर गया हूँगा और तुम पे अटैक करना बंद कर दूंगा। इसके बाद मंडो फिर से वेजिटा पे हमला करना शुरू कर देता है और बोलता है कि अपने दिमाग में एक भी पल के लिए ये मत आने देना कि तुम मुझे हरा सकते हो। इसके बाद मंडो वेजिटा के ऊपर कराटे चॉप मारता है, पर इस कराटे चॉप को वेजिटा बहुत ही आराम से रोक लेता है। मंडो बहुत बारी पोर्टल्स बना के वेजिटा को पंच मारने की कोशिश करता है, पर वेजिटा उसके सारे के सारे अटैक्स को बड़े आराम से रोक लेता है। वेजिटा अपनी जगह पर खड़ा होता है और एक पंच फिर से मंडो के चेहरे पर मारता है और इस बारी मंडो और ज़्यादा हैरान हो जाता है। मंडो बोलता है कि इतने लंबे समय से मैं इसी का इंतजार कर रहा था, लगता है अब असली मज़ा आने वाला है। सुपर बू बोलता है कि वेजिटा की ताकत तो एक नए लेवल पर ही चली गई है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वेजिटा इतना ज़्यादा ताकतवर भी हो सकता है। इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि वेजिटा कोशिश भी नहीं कर रहा है, इसके बावजूद भी मंडो से वो जीत रहा है। फ्रीजा वेजिटा की ताकत को देख के चिढ़ रहा होता है और बोलता है कि पता नहीं ये बंदर मुझसे कब तक आगे रहेंगे। वेजिटा मंडो से बोलता है कि मंडो, अभी तक तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पर अब तुम्हारा जोश कहाँ गया? अगर यही तुम्हारी असली ताकत है तो बहुत शर्मनाक है। मैं इस फालतू की बकवास से बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ, तो अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम लोग लड़ाई शुरू करते हैं। वेजिटा एकदम से मंडो पे अटैक कर देता है और बोलता है कि मंडो, तुम खुद को बचा सको तो बचा लो। वेजिटा बहुत तेज़ी से जाता है और मंडो को खिंचा के लात मारता है। इस लात से मंडो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। मंडो अभी तक वेजिटा के पावर बूस्ट से हैरान होता है। वो बोलता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वेजिटा इतनी जल्दी इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे बन गया। मंडो बहुत दूर जाके गिरता है और एक बहुत ही बड़ी चट्टान से टकराता है। वेजिटा तेज़ी से मंडो की तरफ जाता है और उसने पंच बना रखा होता है। वो मंडो को मजा चखाना चाहता है। मंडो जैसे ही खड़ा होता है वेजिटा उसके पास पहुंच जाता है और बोलता है कि मंडो, क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो?
वेजिटा एकदम से जाके मंडो को बहुत जोरदार कुसा मारता है और मंडो जमीन से बहुत तेजी से टकराता है। वेजिटा का पंच इतना ज्यादा जोरदार था कि जमीन में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है। वेजिटा का मन इससे भी नहीं भरा होता है और वो फिर से मंडो के पास जाता है। मंडो वेजिटा से कुछ कहने वाला होता है पर तभी वेजिटा मंडो का चेहरा पकड़ लेता है। वेजिटा मंडो से बोलता है कि मंडो तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बकवास कर चुके हो, मैं तुमसे और कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम लड़ाई शुरू करो। वेजिटा मंडो के चेहरे को ज़मीन में गाड़ने लग जाता है और वेजिटा मंडो को गाड़ते गाड़ते ज़मीन के आर पार चला जाता है और ऐसा वो कई बार ही करता है। इतनी ज़ोरदार ताकत से धरती पर हर जगह क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं और धरती चटकने लग जाती है, धरती के टुकड़े टुकड़े होने वाले होते हैं। सुपरबू इस ताकत से हैरान होता है। सुपरबू बोलता है कि वेजिटा तो बहुत ज़्यादा ही कर रहा है, मैं मानता हूँ कि धरती पर इस वक्त कोई भी नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी धरती को ही तबाह कर देगा। मैं मानता हूँ कि इस वक्त मंडो को हराने में कामयाब हो रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी धरती को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धरती बहुत ही जल्द डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आखिरकार वेजिटा रुक जाता है और मंडो को एक गड्ढे के अंदर गिरा देता है। मंडो बोलता है कि वेजिटा आज तुमने मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर दिया है। वेजिटा बहुत ही ज़्यादा शांत लग रहा होता है और वो अपने हाथ फैलाता है, वो एक अटैक करने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद वेजिटा लगातार मंडो पर अटैक करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा मंडो दूसरी तरफ खड़ा होता है और वो बोलता है कि वेजिटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मेरे लिए उस मंडो को ख़त्म कर दो। तभी हम देखते हैं कि मंडो के हाथ का क्रैश पूरा हो जाता है। ये सब कुछ मंडो की बस एक चाल थी ताकि मंडो पूरा हो सके। मंडो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है, वो बोलता है कि आखिरकार मेरा क्रैश पूरा हो गया है, जिसका मतलब ये है कि मेरी पूरी ताकत वापस आ चुकी है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वेजिटा इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और मेरे उस दूसरे पार्ट को हराने में इतनी आसानी से कामयाब रहेगा। इसके बाद ये आखिरी मंडो वेजिटा के पास जाता है और बोलता है कि वेजिटा आखिर तुमने दिखा दिया है कि तुम मुझसे लड़ने लायक हो और अब मुझे आखिरकार विश्वास हो गया है कि मैं तुम्हारे बारे में सही था, तुमने आखिरकार वही किया जो मैं तुमसे करवाना चाहता था। मुझे लगा नहीं था कि तुम ग्रैंड प्रिंस की ट्रेनिंग से ज़्यादा ताकतवर हो जाओगी। मैं शायद अपने फादर के बारे में गलत था, शायद अब उन्हें भी मॉडल्स को मेरी ही तरह ग्रो करते हुए देखना अच्छा लगता हो। मंडो वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा आज तुमने ना चाहते हुए भी मेरी मदद करी है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ और वो सच था, पर अब जब तुमने मेरे क्रैश को पूरा करने में मेरी इतनी मदद करी है तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखाऊं, पर वो इस धरती पे पॉसिबल नहीं है। ये धरती बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इसीलिए मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक जगह है जहाँ पर जाकर हम लड़ सकते हैं। वो पहले वाला मंडो कमज़ोर था और अब ये लड़ाई तुम्हारे लिए उतनी आसान नहीं होने वाली है जितनी उसके साथ थी। आज तुम्हें समझ आएगा कि मैं अपनी पूरी ताकत में क्या कर सकता हूँ और बाकी सभी एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मुझसे क्यों डरते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये आने वाली लड़ाई मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट लड़ाई हो और इसीलिए तुम अपनी शुरुआत से ही पूरी ताकत का इस्तेमाल करना, और ऐसा ही मैं करूँगा। अब मैं तुम्हें वहाँ भेज रहा हूँ जहाँ पर जाकर हम आराम से लड़ सकते हैं और जहाँ पर हमें कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा। इसके बाद मंडो फ्रीजा और बू से बोलता है कि ये फाइट तुम्हारे लिए भी बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है, मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ और अब ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें शो करूँ कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ और हम लोगों की ताकत में कितना बड़ा गैप है। इसके बाद मंडो वेजिटा के ऊपर एक पोर्टल बना देता है और वेजिटा ये देख के हैरान रह जाता है। मंडो वेजिटा को एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट करने वाला होता है। हम देखते हैं कि वेजिटा धरती से एक दूसरी जगह पर पहुंच जाता है और ये जगह वही होती है जो हमने कुछ चैप्टर्स पहले देखी थी। ये जगह वही है जहाँ पर हमने बहुत सारे मंडो को एक साथ देखा था। मंडो वेजिटा बू और फ्रीजा सब के सब यहाँ पर पहुँच जाते हैं और मंडो सबसे बोलता है कि ये जगह वही है जहाँ पर मैं अपने क्लोन्स को बनाता हूँ। ये जगह बहुत ही ज़्यादा शांत है तो यहाँ पर लड़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और वेजिटा अब यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकते हो, यहाँ पर हमारी लड़ाई का एंड होगा। और वेजिटा एक बात और, तुम हार मानने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अब उसके लिए बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है। यहाँ पर तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा और तुम्हें जल्द ही अपनी गलती का एहसास होगा। तुम्हें मेरे ऑफर को जब भी मान लेना चाहिए था जब तुम्हारे पास चांस था। इसके बाद मंडो स्पेस की तरफ देखने लग जाता है और बोलता है कि मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है, यहाँ की खूबसूरती और शांति हमेशा मेरे दिल को छू लेती है, मैं यहाँ पर आकर हमेशा ही बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करता हूँ। तभी सुपरबू बोलता है कि लगता है तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, और तुम भूल रहे हो कि हम यहाँ पे तीन हैं और तुम एक हो। मुझे नहीं लगता कि ये फाइट तुम्हारे लिए ईजी होने वाली है। मंडो बोलता है कि सुपरबू मुझे लगता है तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें और फ्रीजा को यहाँ पे बस देखने के लिए लेकर आया हूँ, मैं तुम दोनों से लड़ना नहीं चाहता, वो मेरे लिए टाइम वेस्ट होगा, पर कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती को सुधार लेता हूँ। मंडो वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा बस मुझे एक सेकंड दो। सुपरबू और फ्रीजा लड़ने के लिए तैयार होते हैं पर तभी मंडो बोलता है कि बस एक सेकंड लगेगा, अब तुम दोनों वहाँ चले जाओ, तुम लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो,
तुम वहाँ से फाइट देख सकते हो। तुम वहीं से मुझे वेजिटा को मारते हुए देखना। मरनो फ्रीजा और बू को एक दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देता है। आखिरकार वेजिटा और असली मरनो की लड़ाई शुरू होने वाली है और ये फाइनल बैटल होगी। आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको आगे भी ऐसी ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और सारी की सारी नोटिफिकेशन को ऑन भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।